हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एनएन टीवी। महल चौक पर एक यहाँ पर कभी बाटा का शोरूम हुआ करता था। महल के चौक से लेके बड़गस चौक तक नागपुर महानगर पालिका द्वारा एक भारी अतिक्रमण लाया गया है। कम से कम 3 से 4 बुलडोज़र हैं, पुलिस की पूरी तरह से तैनाती है। यहाँ पे अतिक्रमण के लिए सामान लेके जाने के लिए गाड़ियाँ भी है। अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये महल का चौक है, आप देख सकते हैं महल का चौक। यहाँ से रास्तों को सील किया गया है और यहाँ से हम आगे आपको लेके जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ पूरा बड़गस चौक तक। चावला सिलेक्शन की भी दुकान थी, जो जिसकी वजह से मंदिर बिल्कुल दिखाई नहीं देता था। और ये पूरा अतिक्रमण पुलिस की नाक के नीचे हुआ करता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम बगल में ही पुलिस चौकी है, कोतवाली पुलिस स्टेशन की नाक के नीचे ही अतिक्रमण चलता था, लेकिन कुछ कोर्ट मैटर चल रहा था। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये एकदम पुलिस स्टेशन और उसकी नाक के नीचे में एकदम बगल में ही अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। और ये देखिए एकदम कदीम, बहुत ही पुराने मंदिर, ये देखिए अतिक्रमण। बहुत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की कार्रवाई हो रही है, आप देख सकते हैं। माहौल एकदम गर्म है, दुकानदारों में रोष। ऐसे समय में जब काम कारोबार बैठे हुए हैं, ऐसे समय में किसी व्यापारी की भारी तादाद में नुकसान होना, देख सकते हैं। बहुत शहर का हाट कहा जाता है, मार्केट एरिया कहा जाता है। महल का जो एरिया है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, खासकर लेडीज गारमेंट्स के लिए बहुत ही मशहूर मार्केट है। आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से धराशायी हो रहा है। पता चला है कि एनएमसी के कर्मचारी घायल भी हुए हैं। जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए, बता दें नागपुर महानगर पालिका द्वारा बड़गस चौक, महल से बड़गस चौक तक अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। और तहसील पुलिस स्टेशन के एकदम बगल में ये कार्रवाई चल रही है। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन अभी ऐसा ही होने जा रहा है, देख सकते हैं। Thank you.
महल के चौक से बड़गस चौक तक अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है नागपुर महानगर पालिका द्वारा। इतना मजबूत कंस्ट्रक्शन है कि टूट भी नहीं रहा है। आगे दिखाने की आपको कोशिश करते हैं वीडियो। देखिए ये दूसरा बुलडोजर और इसी के बगल में तीसरा बुलडोजर भी आपको नजर आ रहा होगा और वो चौथा बुलडोजर, यही कि यही आपको चार बुलडोजर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहुत बड़े बिल्डर अतुल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए अब तीसरा बुलडोजर आपको दिखाते हैं। ये तीसरा बुलडोजर आप देख सकते हैं। और इसी के बगल में छोटा बुलडोजर पूरी कार्रवाई कर रहा है। बुलडोजर आपको दिखा के वीडियो को एंड करेंगे और कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अगर ये चौथा बुलडोजर आप देख सकते हैं, तो बाद में आगे भी पांचवा बुलडोजर भी है व्यूअर्स। ये देखिए पूरा तोड़ दिया गया है ये सब। ये मेन रोड की दुकानें हैं। अब हम बड़गस चौक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पूरा एरिया कुछ
पूरी। बहुत शुक्रिया अतुल गुप्ता जी। ये देखिए ये बड़गस चौक है, पूरी बिल्डिंग को धराशायी कर दिया गया है और आगे अतिक्रमण के अधिकारी भी मौजूद, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अतिक्रमण के अधिकारी NNTV को इंटरव्यू नहीं देते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। ये आप देख सकते हैं पूरा बड़गस चौक है, ये नागपुर महानगर पालिका की पार्किंग है। ये देखिए यहाँ पे भी तोड़ा गया है, ये भी अतिक्रमण। तो ये हमने दिखाया व्यूअर्स आपको अभी अतिक्रमण का वीडियो। अब स्थानीय लोग अगर इंटरव्यू देने की कंडीशन में हो, जिनकी दुकान टूटी हो, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा मामला। बने रहिए NNTV के साथ। जय हिंद। इसी बीच देवकांत हमारे उत्तर प्रदेश से रिपोर्टर हैं NNTV के, वो जुड़े हमारे साथ।